महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के आरोपी और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण ने रजत शर्मा और एनडीटीवी की तगड़ी फजीहत कर दी है। एक इंटरव्यू के दौरान बृजभूषण ने इंडिया टीवी के पत्रकार को धुतकार कर भगा दिया। अब ऐसे में जहां बीजेपी सांसद की इस अभद्रता पर सवाल उठने चाहिए थे, वहां मेनस्ट्रीम मीडिया सन्नाटे में चला गया है। लेकिन आम यूजर्स कुश्ती महासंघ के आरोपी अध्यक्ष की ऐसी अभद्रता पर सवाल लगातार उठा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि देश का नाम ऊंचा करने वाली महिला खिलाड़ियों ने बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण पर महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज की है। लेकिन गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस का रुख अस्पष्ट नहीं है। ऐसे में तमाम खिलाड़ी जंतर मंतर पर बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए धरना दे रहे हैं, जबकि खुद बृजभूषण शरण बिना गिरफ्तारी के डर के मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। साक्षात्कारों की इसी कड़ी में बीजेपी सांसद ने इंडिया टीवी के पत्रकार को अपने इंटरव्यू से भगा दिया है। दरअसल इंडिया टीवी के पत्रकार धरने पर बैठी महिला खिलाड़ियों के बयान कोट करते हुए बृजभूषण से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन महिला खिलाड़ियों के बयान और आरोप पत्रकार के मुंह से सुनते ही बृजभूषण भड़क गए और पत्रकार को कैमरा बंद करने की धमकी दे दी और कहा अपनी दुकान हटाओ यहां से। इस दौरान बीजेपी सांसद अन्य पत्रकारों पर भी भड़कते हुए दिखाई दिए। इसके बाद WFI के अध्यक्ष ने इंडिया टीवी के पत्रकार पर बरसते हुए कहा कैमरा बंद करिए और जाइए। बृजभूषण ने अपने सहयोगियों को आवाज लगाकर इंडिया टीवी और उसके पत्रकार का नाम नोट करने के लिए भी कहा। बृजभूषण ने बेहद सख्त लहजे में कहा इनको यहां दोबारा मत आने देना, ये लोग जजमेंट करने बैठे हैं यहां पर, जाइए और अपनी दुकान हटाइए यहां से। दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी सांसद इसके पहले भी अलग अलग साक्षात्कारों में अभद्र भाषा में बयान दे चुके हैं। एक मीडिया बाइट में बृजभूषण ने खुद पर लगी यौन उत्पीड़न के आरोपों का जवाब देते हुए कहा क्या वो सिलेजीत की रोटियां खाते हैं जो हजारों लड़कियों के शोषण का आरोप उन पर लग रहा है। एक और बयान में बीजेपी नेता ने कहा था मेरे समर्थकों में आक्रोश है, मेरी एक आवाज पर पहलवानों से कहीं ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। खुद पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए बृजभूषण सिंह ने साक्षी मलिक को भी टारगेट करते हुए उनकी तस्वीर पर कहा था साक्षी मलिक इस तस्वीर में मुझसे खुद चिपक रही हैं, मैं उनका यौन शोषण क्यों करूंगा। बृजभूषण की इन्हीं तमाम बयानबाजियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता ने कहा इंटरव्यू छोड़कर भागने वाले आरोपी बीजेपी सांसद ऐसे अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल पाएंगे। प्रधानमंत्री जी से अपील है कि अब तो गहरी नींद से जागिए और आरोपी सांसद पर कार्रवाई कीजिए। बेटी बचाओ नारे को जुमला साबित मत कीजिए।